नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल ए डी कॉन्सेप्ट में आज हम लोग अपनी बिहार गैलर एंट्रेंस एग्ज़ाम की साइंस की क्लास पढ़ेंगे तो साइंस की क्लास में जो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उस पर मैंने टोटल छः प्रैक्टिस सेट पेपर लिए हुए हैं हर हाँ प्रैक्टिस सेट पेपर में इसमें आप लोगों को बीस बीस क्वेश्चन मिलेंगे तो बीस बीस क्वेश्चन के आंसर देते चलिएगा और बताते चलिएगा लास्ट में कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के कितने सही आंसर दिए हुए हैं ठीक है तो सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून क्लास अपनी काफ़ी लेट हो रही है जैसे ही हम क्लास स्टार्ट करने के लिए बैठे ना जस्ट तभी उसी टाइम पे ही आ गया था तब से आगे अभी आया हुआ है पाँच सात मिनट पहले तो अभी क्लास फिर हो रही है ठीक है तो जल्दी सभी लोग आ जाए जितने लोगों ने शेयर वे नहीं ठोका है दवा के बाद शेयर भी ठोक दें फिर चल करते हैं क्लास को स्टार्ट चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जीता सेट पहला है आपका नींबू खट्टा किस कारण से होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण एसिटिक अम्ल के कारण टार्टिक अम्ल के कारण या फिर साइटिक अम्ल के कारण पहले क्वेश्चन का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे और कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेगा एक बार में कोशिश करें कि सही आंसर दें ठीक है और जैसे गलत आंसर कौन दे रहा है प्रीति पंत अंकिता कुमारी अरे बच्चों नींबू में टाट पाया जाता है हुँ? जब नींबू में टाटे पाया तो इमली में का पाया जाता है फिर क्यों इमली में क्या पाया जाएगा पहली क्वेश्चन ही सब गुरुगोब गुर कर हो तुम लोग हैं सी 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 बच्चों पढ़ लो ठीक चलिए इमली टाटेक इमली है वो तो न चलते पहला वाला सबका गलत हो गया शादी कादी तो बच्चे सही दिए हैं वायु है एक यौगिक है तत्व है मिश्रण है या फिर वैद्युत अपघटन है और क्लास को लाइक कर दे चलिए थोड़ा शेयर भी कर दीजिए बाकी सभी लोग तो आज लोग की तो नींद पूरी होना चली गई होगी बताए तो वायु क्या है मिक्सचर है तत्व है वैद्युत अपघटन है क्या है बच्चों सभी लोग बताएंगे राइट आंसर तो पहले वाले इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या दे रहे हैं यहाँ पे सी दे रहे हैं ठीक है थीके? तो इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है सी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट हो जाएगा आगे चलेंगे यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा व्यंजक चूड़ के लिए कौन सा असत्य है जल में अधिक विलय होता है हल्के पीले रंग का चूड़ है ऑक्सीकरण है या फिर तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है ठाट कर बताएंगे राइट आंसर क्या है अच्छे से करके आइएगा अंगुश प्रजापति ऐसा ना हो शेयर करने जाओ वहीं रुक जाओ बता प्यारे बच्चों राइट आंसर सब लोग क्या दिए हैं कॉपी पेस्ट कोई किसी का नहीं मारेगा हम्म सॉन्ग मस्ती तो जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे जल्द में अधिक ब्लैक होता है ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा पारद धातु मिश्रण अति रंग सॉरी अति रंगीन मिश्र धातु होती है या फिर कार्बनिक युक्त मिश्र धातु होती है पे फिर पारदयुक्त मिश्र धातु होती है या फिर अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक बाले मिश्र धातु में होती हैं बताएंगे सभी लोग वाले का राइट आंसर क्या दिए हैं सबका सी आ रहा है हम्म ठीक है सी वाला सही हो जाएगा सभी लोगों का आगे चलते हैं कोयले का सामान्य प्रकार है बिटूमिनस है अदबिटोमिनस है एंथासाइड है या फिर कोक है बताएंगे सभी राइट आंसर क्या हुआ साहब शायद बाईस तारीख तक तो भरना था बाईस तारीख तक तो ही भरना था ख़त्म हो गया ठीक है चलिए तो सही राइट आंसर यहाँ पे क्या दिए हैं ए बी सी बच्चों गलतियाँ काफ़ी हो रही हैं साइंस में आप लोगों की और ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इसके बावजूद भी इतनी गलतियाँ हो रही हैं तो इतने लोगों ने राइट आंसर का दिया हुआ है बिटोमिनस यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है ए वाला सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय स्तनी है भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है गाय है मयूर है सिंह है या फिर बाघ है बता राइट आंसर क्या होगा ठीक सर खत्म हो गया क्या खत्म हो गया हुँ? अरे ये लिखा है ना द नेशनल मेमल ऑफ द इंडिया काउ पी काउ सिंह या फिर टाइगर तो इतने लोग राइट आंसर दिए हुए यहाँ पे टाइगर सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा जितने लोग जो डी दिए हैं डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर होगा आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन दिया है प्राणी कौन सा है प्राणी बताना है कौन सा है है हैटर है या फिर टॉइज है बताएं प्यारे बच्चों सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो भैया अभी तक सो रहे थे क्या टाइम बढ़ भी गया था उसका फिर भी आप नहीं पढ़े बस तुम तो पता नहीं पूरे टाइम कहाँ रहते हो क्या दे रहे हैं राइट आंसर साइंस में तो भैया बच्चों कहानी कहाँ नहीं खत्म है राइट आंसर होगा वेल थोड़ा पढ़ाई कीजिए जितने लोगों के गलत आंसर आ रहे हैं जितने लोगों का मुश्किलों के यहाँ से गलती आ रहे हैं आगे चलते हैं वेरी गुड आफ्टरनून बच्चो वेरी गुड आफ्टरनून रवि भैया को कहाँ छोड़ आयो आज जल से बाहर निकाल दिए जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है उनका शरीर तापमान बढ़ जाता है या फिर वे सास नहीं ले पाती या फिर वे जल में नहीं चल पाती हैं बताएं एट का राइट आंसर क्या हुआ ठीक तो जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर सी वाला सभी लोगों का परफेक्ट आंसर है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं गंध से दृष्टि से नृत्य से आप केसर खान भैया वीडियो नहीं रुक रहा है वीडियो स्पष्ट चल रहा है हम्म सब लोग राइट आंसर क्या दिए हैं सब का नृत्य 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 आ रहा है ना चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं चार बारह बीस या 28 मनुष्य के दांत जीवन काल में कितनी बार विकसित होते हैं सभी लोगों का राइट आंसर आ रहा है बीस 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 मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है संधि होती है ठोस होती है या फिर कीलक होती है बताएंगे इलेवंथ वाले का राइट आंसर क्या होगा अरे कुछ नहीं हो सकता क्या होगा कुछ नहीं होगा चुपचाप से जो है पढ़ाई करो उसी की और जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक करो बेटा तुम शेयर करो कुछ नहीं हो सकता अगर तो सभी लोग क्या से, लो से दिए हैं ठोस होती है बेटा ठोस नहीं होती हैं क्या होती है ये हेलो हेलो मतलब खोखली होती हैलो हो हलो हो हो खोखली चलते हैं मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं उन्तीस तीस बत्तीस या चौतीस हम्म अब इसे क्या दी हो हो ना आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य है क्रोमैग्नन मनुष्य है या फिर नियान डर स्थल मानुष है या फिर पैंकिंग मनुष्य है मनुष्य बताएं भैया क्या है पैंकिस मनोज ठाटिंग रिटना सुनो क्या दिए हैं सर आप कहाँ से हैं बड़ा पढ़ाई पर फोकस दो क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि हम कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हम अरे क्रियांश गुप्ता रवि कहाँ छूट गया आज अच्छा वो आया कि नहीं आया आज क्या ना उसका क्रियांश बड़ा क्रियांश अब आओ तो आगे देखें तो हमने क्या नेम चेंज किया है अपना लो इनको ज़्यादा पता है कौन है ये? सुमन है ये ये दो दो लोगों का नेम लिख के नहीं आ रहा है इनको ज्यादा पता है कि हम कहाँ से हैं हैं अरे वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून जीके क्लास भी तो रात में चलेगा आज जीके वगैरह सब कुछ रात में चलने वाला है आज चल देंगे माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से कटा तना से इनमें से किसी से नहीं या फिर किससे बताएं 14 का राइट आंसर क्या होगा पे वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा ए बी सी डी अरे बताया तो है शाम को चलेगा जी के अभी साइंस पढ़ लो ठीक अस्सी परसेंट से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन है चर्बी है खनिज है या फिर जल है अस्सी परसेंट से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ प्रोटीन है चर्बी या खनिज है या जल है कौन से भैया ज्ञान देना स्टार्ट कर दिए हो अरे हमें समझ में नहीं आता है। हम जो पढ़ा रहे पहले वो तो पढ़ लो मैथ पढ़ाएंगे तो हिंदी कब होता है साइंस पढ़ा रहे तो रीजनिंग कब होगा जीके कब होगा बेटा जो हम पढ़ाते वो कहानी पढ़ लेते हो सबका नशा चलता है बताएं बच्चों केसर खान क्या आंसर होगा इसका इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से डालिया की जड़ों से बालसम पुष्प से या फिर आलू के कंद से सृष्टियों बताएंगे सर राइट आंसर क्या हो जाएगा बड़ा पेपर ऐसे ही आता है लल्लू वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं आप सोचो लल्लू वाले क्वेश्चन पढ़ के खुश हो जाएँ आधे बच्चे तो ऐसे हम देख रहे हैं उनका शायद अभी तक एक आधी यहाँ से सही निकला हो पेपर का लेवल ऐसे ही होता है साइंस का और जब वहाँ जाओगे ना तो केमिस्ट्री बनाने के लिए आएंगे बॉन्ड पूछे आएंगे किसे कितने बॉन्ड होते हैं पिछली बार भी एक एक बॉन्ड बनाने आया था जा ध्यान दे रहे हैं इस बार केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाना आगे चलेंगे यहाँ पे हरगोविंद गोबिंद को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजनी छड़ों के संश्लेषण के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं बताओ हाथ गोविंद गोविंदा को अब अभिस, किस आविष्कार के लिए मिला था आंसर क्या आ रहा है बी आ रहा है। हम्म चलिए जीन के लिए वेरी गुड बाबू थैंक्स वेरी गुड आफ्टरनून नेक्स्ट चलेंगे संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है रिफ्लेक्सिया है बहुत बड़ा कैक्टस है या इनमें से कोई नहीं है एटीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा पढ़ लो बाबू सोना बाद में कर देना अरे हाँ हो जाएगा भैया पढ़ापे में भी हो जाएगा तुम तो तो परेशान का है हो रहे हो सभी का आ गया ना राइट आंसर चलिए बी वाला सभी लोगों का सही है चलो कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने चले जाना भी जब तक हो तब तक तो पढ़ लीजिए आगे चलेंगे तना कटा आम तौल से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है केला गन्ना आम या फिर कपास 19 के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा नाइनटीन का राइट आंसर क्या दिए हैं तना कटा आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये क्या आता है शुगर कैन के लिए जितने लोगों ने बी आंसर दिया हुआ है बी वाले सभी लोगों का सही है या जो बताओ तो सभी क्लास के टाइम पे नेटवर्क इशू होता है खाली हमारी क्लास के टाइम पे नेटवर्क इशू होता है सभी लोगों का आगे चलेंगे मटर पौधा है साख है पुष्प है झाड़ी या इनमें से कोई नहीं है बता राइट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का तो सब लोग यहाँ पे पुष्प 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 दे रहे हैं भैया पुष्प वाला कहाँ से दे रहे हो दोनों राइट आंसर दिया हुआ है ए ठीक है हाफ्स बोलते हैं तो बेटा बताओ जल्दी सभी लोग कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं अरे वेरी गुड नून भैया वेरी गुड आफ्टरनून पढ़ाई कर लो कितने आंसर हैं सोलह हैं बारह आउट ऑफ बारह हैं बीस आउट ऑफ बीस हैं बेटा जितने बीट ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी वाले हो ना देख रहे हैं बेटा नेम याद है हमें पेपर दे कर लो पता चलेगा सब रिजल्ट चेक करेंगे हम अभी हम काफ़ी टाइम देख रहे हैं कई लोगों की गलतियाँ ज़्यादा हो रही थी लेकिन आंसर सबके ज़्यादा आए हैं ये देखो वो ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी भी आ रहे हैं बड़ा कम से कम इसमें अगर सेवनटीन प्लस नंबर थे क्योंकि इतना हार्ड था नहीं ठीक मोस्टली क्वेश्चन इसके पढ़ाए हुए थे हम पहले भी सर मैं तो डकूनी क्लास चलेगा सर मैं तो अभी आई चलो कोई दिक्कत नहीं आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ चलेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं इसी कहते हैं मृग कहते हैं कहते हैं स्कॉर्पियो या फिर कहते हैं उसको ना राइट आंसर बताएंगे सर तो क्या हो जाएगा सभी तो राइट आंसर क्या दिया है सबका ये आ रहा है ना चलिए ठीक इस बार सब लोग अच्छे से काउंट कीजिएगा इस बार हम सभी के से नोट कर रहे हैं कौन कितनी गलत दे रहा है कितनी सही दे रहा है बेटा बाद में झूठ बोला ना फिर देखो लास्ट में चलवा देखो तुम लोग हाँ बेटा अविनाश आगे नहीं चेंज कर करके अब देखो बेटा अविनाश तुमको देखते हैं अच्छे से नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे भारी जल बह होता है जो जिसका तापमान चार डिग्री सेल्सियस पर स्थित रखा जाता है या जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के आवेदन लवड़ होते हैं या फिर जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले देता है या फिर जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप दे दे ले देता है सेकेंड वाले का बताएंगे सभी राइट आंसर क्या हुआ क्या चो ए बी सी केसर खान भैया बहुत गलती करते तो आप इतनी गलती कैसे चलिए बच्चों ये बताओ अभी तक तो क्लास को लाइक क्यों नहीं किया है अस्सी प्लस बच्चे हैं और लाइक अभी तक थर्टी हो रही है तो लाइक की संख्या थोड़ा थो स्पीड से बढ़ाया जाए भारी जल क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है सभी सी दे रहे हैं चलिए ठीक है तो इतने लोगों का सी आंसर आया है सी वाला आप सभी लोगों का एकदम परफेक्ट हो जाएगा वेरी गुड बच्चों आगे चलते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन थर्ड को बताएंगे राइट आंसर क्या हुआ सभी लोगों का तो ये तो इजी क्वेश्चन है सभी लोगों का राइट आंसर यहाँ पे आना चाहिए तो सभी लोगों का राइट आंसर आ गया ना ऑप्शन नंबर क्या दिए हो सी चलिए ठीक है स्मार्ट पवन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आगे चलेंगे 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100-200-300 या फिर कितनी होती है बता लोग 20 वर्ष की आयु में मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है 100-200-300 या फिर इनमें से कुल ठीक है तो इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे तीन सौ तो तीन सौ सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा क्लियर सभी लोगों का एच आई वी द्वारा होने वाला रोग है एच आई वी द्वारा होने वाला रोग है छः रोग है आज तक है कैंसर या फिर एड्स है सभी लोग क्या दिए हैं ए बी सी डी डी दिए हैं तो जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो डी वाला सभी लोगों का सही आंसर हो जाए आगे चलेंगे सौ आठ का बिजली का बल दस घंटे जले तो बिजली का खर्च पूछा है तो बिजली का खर्च कितना हो जाएगा सौ का बल्लब है कितने घंटे चल रहा है दस घंटे अपन कितना होता है एक हज़ार तीन जुरो से तीन दो कर जाएंगी कितना अच्छा एक एक, एक यानी वन यूनिट ठीक राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे सभी लोगों का वन यूनिट आ जाएगा क्लियर है सभी लोगों का नेक्स्ट दिया है पानी का घनत्व अधिकतम होता है सौ डिग्री सेल्सियस पर चार डिग्री सेल्सियस पर जीरो डिग्री सेल्सियस पर या फिर माइनस का चार डिग्री सेल्सियस पर बताएंगे बच्चों जल्दी सभी लोग क्रियांश भैया राइट आंसर क्या होगा सभी लोगों का तो सभी लोगों का राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पे सब पर आ गया ना इस पर तो पानी का घनत्व अधिक होता है तो जो होता है चार डिग्री सेल्सियस पर ठीक बच्चों आप ए बी सी में ऐसा आंसर दें टाइप करके नहीं दें तो देखना पड़ता है बार बार ए बी सी देंगे तो हम जल्दी समझ जाते हैं कि सबका सही आ रहा है आधे बच्चे टाइप करते हैं आधे बच्चे देते हैं तो समझ नहीं पाते कि यहाँ सही भी है कि नहीं है आप लोगों का ठीक नेक्स्ट चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भू प्रपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है मैग्नीस है या फिर सिलिकॉन है क्वेश्चन नंबर एट का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा भू प्रपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला साथ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीशियम या फिर से देखो तो इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यहां पे ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सभी लोगों का राइट right आंसर आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पैरिस का सूत्र होता है सी एस ओ फोर सी एस ओ फोर थ्री एच टू सी एस ओ फो डॉट सी एस ओ फो डॉट एच टू या फिर सी एस ओ फो डॉट हाफ एच टू सू याद है ना प्लास्टर ऑफ पैरिस का सी एस ओ फो डॉट हाफ एच टू रवि लोगों का राइट आंसर आ रहा ना यहां है ना बच्चों यहाँ तक चलिए ठीक है नेक्स्ट निम्नलिखित तो में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है निम्नलिखित तो में से कौन सा अम्ल है जो कि सिरके में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है साइट्रिक अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल है या फिर एसिटिक अम्ल है टेंथ का बताएंगे सो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाइक की संख्या भी लो सभी लोग बढ़ाते रहें कुछ प्रजापति क्या सभी लोगों का यहाँ पे सी वाला सभी लोगों का परफेक्ट है धोनी का वायु में बेग अनुमानता है धोनी में बाजू का, का बेग अनुमानता है दस किलोमीटर प्रति सेकंड दस मील मीटर मिनट है या फिर तीन सौ तीस मीटर पर सेकेंड है या फिर तीन मल्टी तीन की पावर दस होगी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है ठीक है तो उसका राइट आंसर हो तीन सौ तीस हटाई तो दो मैं स्पेंटिंग हो गई सभी लोगों का राइट आंसर आ गया ना तीन सौ तीस भैया इतना लेट कैसे आ जाओ अविनाश क्रियांश स्मार्ट लाइट स्टडी सेंटर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लग second, .8 second, 8 है लगभग 4.2 पॉइंट टू सेकेंड फोर पॉइंट एट मिनट या फिर 3.6 घंटे हैं आप हाँ ठीक है इतना वस तो लगेगा ही नहीं सूर्य के प्रकाश को बोला है ध्यान रखिएगा चंद्रमा के प्रकाश को नहीं बोला जा रहा सूर्य के प्रकाश की बात की जा रही है तो थोड़ा सा देख के आंश रह दें तो आधे बच्चे ए यहाँ यहां से दिए जा रहे हैं अभी तक तो कहा था ना ए यहां से देखो आधे बच्चे ऐसे हो ए पे ही अभी भी अटके हुए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ठीक है एट पॉइंट फाइव स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा मैग्नीज़ की मात्रा सिलिकॉन की मात्रा या फिर क्रोमियम की मात्रा ठीक है तो क्या यहाँ पे कार्बन की मात्रा सिलीकॉन जो दो लाइट आंसर दे रहे हैं अगर ए कार्बन ठीक ए सी कौन दे रहा है ये नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में पदार्थों की संरक्षण निर्धारण में रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसमन में या फिर एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में फोर्टीन का बताएंगे बच्चों राइट आंसर क्या होगा इमरान खान इमरान खान क्या बात हो ये खान साहब भी यहाँ आ गए हो बताए प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हुआ इसका जल्दी से फोर्टीन का राइट आंसर क्या दे रहे हैं एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में ठीक है तो इतने तो राइट आंसर दिए हैं फ़ोर्टीन का डी सभी लोगों का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे घरेलू एल पी जी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं या फिर ये एल पी जी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं इसका प्रयोग निरापद नहीं है या फिर ये एल पी जी द्वारा चौक हो जाते हैं बताएं फिफ्टीन का राइट आंसर बिलो क्या लिए हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या दे रहे हैं बी 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 नहीं, नहीं, नहीं। सभी का बी आ रहा है ना नेक्स्ट चलेंगे प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान कण के समान तरंग व दोनों के समान तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होती है सिक्सटीन के बताएंगे राइट आंसर सभी लोगों का क्या हो जाएगा क्रियांश आंसर दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो चलिए ठीक शिवा सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे शुष्क बर्फ़ है ठोस पानी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है निर्जल बर्फ है यहाँ पे ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्साइड है बताएं बच्चों जल्दी सभी लोग राइट आंसर क्या दिए हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सभी लोगों का आ गया ना आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है सेवेंटी एट है एट्टी टू है सेवेंटी सिक्स है या फिर सेवेंटी फोर है बताएंगे स्लो एटीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये तो एकदम लल्लू क्वेश्चन ही आ गया है सलो यहाँ पे 78 एट दी है ना आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा घरेलू बैतू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल हरा ब्लैक या फिर येलो हुँ, हुँ, हुँ। सभी, सभी का राइट आंसर आ गया ना ब्लैक सभी का ब्लैक कोई ऐसा इसका ब्लैक नहीं आ रहा हो ठीक चलो बेटा मैं सभी के यहाँ से तो नोट कर लिए हैं ये रहा लास्ट आंसर सॉरी उन्नीस ही क्वेश्चन थे इस वाले साइड में बट बताओ जल्दी से 19 क्वेश्चन में से कितने किसने कितने आंसर सही दिए हैं बट आप बोलो आप बोलो झूठ कौन बोला आप देखे पकने आप देखें सब कुछ पकड़ें अच्छे से अब बताओ बड़ा कितने लोगों ने उन्नीस में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं अभी क्या आ गया ना कोई ऐसा बच्चा है इसके अभी तक नहीं सो हुए हैं क्योंकि आपने कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं और ये मिशन भारत आपके जीतों कैसे आ रहे हैं सर फोर्टीन से नीचे वाला कोई नहीं है सब फोर्टीन प्लस ही है चलिए ठीक प्रकाश का प्रकाश का शून्यकाश में बेख मान्यता होता है यह क्वेश्चन मिसप्रिंट है छोड़ो उसको आगे आ जाओ रसायन उपभोग में कौन सा तेजा मूलतः रासायनिक माना जाता है H2CO3, टू सी ओ थ्री एच एन ओ थ्री टू एस ओ फोर या फिर एस सी एल बताएं बच्चों राइट आंसर क्या हुआ है सभी लोगों का सभी लोगों का राइट आंसर यहाँ पे सी आ रहा है ना एच टू एस ओ फोर ठीक नष्ट देंगे यहाँ से आतों के भैया इस बार सभी तो नोट करना अपने अपने क्वेश्चन के आंसर ध्यान रखिएगा ठीक अभी कितने हुए एक हमने छोड़ दिया है पहला वाला उसके बाद सेकंड से वो छोड़ दो उन्नीस क्वेश्चन माने जाएंगे इस बार तो एक क्वेश्चन ये है ठीक है ध्यान कर देना अब एक का सही आंसर दे दिया अब सेकंड वाला ये रहा इस बार नोट करते सभी लोगों को बताना है लास्ट में जितने लोग नहीं बता रहे उनको ही बताना है कि लास्ट में कितने क्या सही है हम देखेंगे तो कौन बच्चा कितना पानी में है कितना क्या पढ़ाई कर रहा है आगे चलते हैं आँखों के लोगियों के निदान में रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है एक्स है है बीटा है गामा है है बीटा है और गामा है। इस थोड़ा ये ठीक है तो इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे एक्स ठीक ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज का सिद्धांत है वैद्युत का रासायनिक प्रभाव है वैद्युत का यांत्रिक प्रभाव है वैद्युत का उसमें प्रभाव है वैद्युत का चुम्बकीय प्रभाव है चलो बताएंगे यहाँ पे फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा ठीक परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन 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 एवं 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 कण प्रोटॉन या फिर जो क्या दिए हैं हम्म 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 सभी लोगों का ये आ रहा है ना क्रियांश भैया आपका अभी ये आ गया बच्चों आप लोग नब्बे के आसपास बच्चे हो लेकिन अभी तक पचासी लाइक किए हो मिशन भारत ये थोड़ा मिशन लाइक का भी हमारा पूरा कर दिया करो दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं अपतल लेंस उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण है या फिर अब दर्पण है सिक्स का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा हम्म हम्म इतनी जल्दी मत दो कि हम आंसर देख ही नहीं पाए हम पढ़ के फिर हो नहीं पाते यहाँ से निकल जाता है आप लोगों का सर लोगों क्या रहा है ए बी सी ठीक तो जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक अब तल लेंस सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोपहर के बारह बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है पश्चिम में दक्षिण में पूर्व में या फिर दिखाई नहीं देगा दोपहर बारह बजे की बात की जा रही है आधे बच्चों तो एक दूसरे को लगे पढ़ने पढ़ने खुद तो पढ़ लो पहले दूसरों पर ध्यान दे रहे हो आप पढ़ लो आप पढ़ लो हम्म तो लोगों ने राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी ठीक है अब मतलब दिखाई तो नहीं देगा वेरी गुड आगे चलेंगे दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अबता दर्पण समतल दर्पण उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं डी बनाने में काम में लेते हैं हैं समतल दर्पणों को लेते हैं उत्तल दर्पण को लेते हैं, हैं। इनमें से किसी को भी नहीं लेते हैं जी सी वाला कौन है भैया आरती कुमारी थोड़ा पढ़ाई करो ललित क्वेश्चन इसका कौन कौन को दिया है हुँ। हुँ। सभी लोगों को राइट आंसर देना है यहाँ पे धोनी का सोले का रासायनिक सूत्र है पता नहीं हजार बार कर चुके हैं इसको सिंगल बच्चा भी इसका नहीं देगा आज अरे पढ़ लो नाम नहीं देते नाम नहीं लेते नाम पर अचार डालना है क्या पढ़ाई मन नहीं लग रहा है नाम नहीं देते इसमें ज्यादा मन लग रहा है ठीक अरे ये लिखा हुआ है ना इस तरफ से पढ़ लो एन ए टू सी ओ थ्री ठीक है एन ए सी ओ थ्री है एन ए टू थ्री है एक में रुको आधे बच्चों का बी आ रहा है आधे बच्चों का सी आ रहा है भैया बताओ तरह राइट आंसर क्या होगा इसका स्वाद ऊर्जा निम्नलिखित में किस से किससे प्राप्त होती है चंद्रमा समुद्र सूर्य या फिर हवा सी ठीक है सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर आ जाएगा आगे चलते हैं ठोस कपूर से कपूर बास बनाने की को कहते हैं बाष्पीकरण है हिमीकरण है पिघलना यहाँ पर उत्पादन है बताएं सो इलेवेंथ वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी सभी लोगों का सही है आगे चलेंगे यहाँ पे पौधे बा पेड़ का खाना तैयार करने की प्रिया प्रक्रिया कहलाती है अब इससे लल्लू क्वेश्चन भी क्या होगा बताएं बच्चों जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोगों का ठीक तो इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है डी डी वाला सभी लोगों का सही है आगे चलेंगे आप निम्न में से कौन सा धातु अलचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अलचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है तावा है जर्मेनियम में ग्रेफाइड या फिर चांदी है बताएंगे थर्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया आंसर को एक ही बार देना है एक आंसर को दस दस बार रिपीट नहीं करेंगे बाकी लोगों के आंसर में पढ़ ही नहीं पा रहे हैं आंसर को सबको एक ही बार देना है ध्यान देखो कोई डबल टाइप नहीं करेगा अपने आंसर्स को एक बार कर लिया हम देख लेंगे उसको अब एक ही आंसर दस दस दद बार दिए जा रहा है दूसरे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है बैक्टीरिया है डी एन एनजाई में यहाँ पे प्रोटीन्स है बताया चो प्रोटीन का राइट आंसर क्या होगा सभी लोगों का अरे ध्यान तब देंगे ना ये बच्चे एक ही कमेंट दस दस बार आ रही लोगों की देखो बच्चे अभी भी नहीं मार रहे हैं भैया सभी को एक बार में एक ही कमेंट करना है दूसरे का तो वहां से पढ़ने दो एक ही दस दस बार कमेंट किया जा रहा है एक ही को बाकी लोग थोड़ा जल्दी कमेंट करें एक ही बच बच्च, दो बच्चों का इस बार गलत आंसर आ कि सभी लोगों का यहाँ पर सही है ठीक है चलिए जितने लोग यहाँ पे एंजाइम आंसर दिए हुए हैं तो एंजाइम सभी लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुम लोगों के बीच चल के आ रहा है क्योंकि कुछ बच्चे तो अपने आराम से मस्ती करने में ही बिजी हैं बड़ा पढ़ लो अंकुश कहाँ लगे हो तुमने तो तुम मैं से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है ग्लाइसिन है हीमोग्लोबिन है स्टेमिन है या फिर इंसुलिन है बताएं सो फिफ्टीन का राइट आंसर क्या दिए हैं अरे अंकुश पढ़ लो भैया पढ़ लो क्यों झगड़ा कर रहे हो ठीक इंसुलिन विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में उगत होता है खट्टे फलों में क्या पाए विटामिन ए बी सी या फिर डी बताएं बच्चों जल्दी से राइट आंसर क्या होगा सभी लोगों का भैया हम बोल रहे हैं सभी को एक ही बार टाइप करना है आंसर आप समझ क्यों नहीं रहे हो बाकी लोगों का तो ध्यान ही नहीं जाता है कौन गलत दे रहा है कौन सही दे रहा है पता भी चले कौन पढ़ रहा है, कौन में लगा है आंसर देने के लिए। ये पता नहीं कौन है शिवानी कुमारी भैया मान जाओ टॉफी ले दो हमसे एक दस रुपया बाद ले, लेकिन मान जाओ एक ही बार कमेंट कर दो तो पढ़ने दो लो बाकी लोगों का सेवानी कमाई तो मान ही नहीं रही है धत धैत धत धिकी लगी हो बिल्कुल मान जाओ मान जाओ पानी वानी पी दो इतनी को समझो मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस है हीमो ग्लेसिस है, है या फिर ओसमिस है या पैदा है एक अंकुश चुप नहीं हो रहा है और बाकी लोग तो अपने अपने मजी हैं भैया हमें कुछ बोल रहे हैं ठीक है बताएं ठीक है चुप होने का मतलब ये नहीं है कि आंसर नहीं दो जो झगड़ा कर दो ना वो बारा चुप करने के लिए बोला है भाई पढ़ाई के आंसर तो आप देते चले भैया लास्ट टाइम आ रहा है सो तो याद कर लेना किससे कितने क्वेश्चन का राइट आंसर है टर्वाइन वो डायनोमो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को बेहतर ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं रासायनिक ऊर्जा सौर ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा या फिर मैग्नेटिक ऊर्जा बताएं बच्चों एटीन का राइट आंसर सभी लोगों का क्या होगा क्रियांश सना सभी कहा गया राइट आंसर क्या दिए हो सी चलिए ठीक पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लाइन्स हैं अपतल उत्तल साधारण या फिर दोनों ही होते हैं ये ये वो भी दोनों होते हैं बताएँ बच्चों राइट आंसर क्या हुई है क्लास को लाइक जितने लोग अगर नहीं ठोक रहे हैं तो क्लास को लाइक ठोके एक बार अच्छे से जितने लोग नहीं ठोक रहे हैं तो नहीं ठोक रखा है तो दोबारा ना ठोके बताएं राइट आंसर क्या होगा सभी लोगों का इसका ठीक है तो सभी लोगों का इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर इसका डी डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है गैस पदार्थ में कणों के बीच गति होती है रैंडम होती है लीनियल होती है सर्कुलर होती है या फिर बाइबेट्री होती है बताओ भैया ट्वेंटी का राइट आंसर क्या होगा केसर खान क्या दियो ए दियो ना चलिए ठीक तो सभी लोगों का यहाँ पे ए आंसर आ चुका है कोई ऐसा बच्चा है जिसका ए नहीं आया हो कोई नहीं बचा है ठीक मतलब सभी लोगों ने ए दे दिया है चलिए कोई दिक्कत नहीं फिर अब जल्दी से बता दें सभी लोग कि 20 क्वेश्चन 20 क्या 19 क्वेश्चन एक तो वो इनवेलिड था 19 में से बताएं सभी लोग कि किसके कितने आंसर हैं ऑप्शन नंबर इसका रैंडमली ए हो जाएगा ठीक है अब बताएं देखें यदावत देखें नौ ग्यारह नाइन्टी आउट ऑफ नाइन्टी सोलह सॉन्ग से जावेद सर मैं पंद्रह आया था पांच सही पांच में पांच सही हुआ है चलो ठीक है अविनाश कितने आए हैं अंजलि मनीषा नेहा ऐसा मेरा फ़ोन बंद हो रहा था चलो ठीक है कोई ना मतलब सिक्सटी से नीचे कोई नहीं है ना सवाल बार सिक्सटीन नीचे वाला क्वेश्चन तो अरे और क्वेश्चन है रुको ज़्यादा सवाल करो बहुत सारे क्वेश्चन है अभी तो अभी तो क्लास चली रही है अभी तो तीसरा आएगा तीसरा नहीं चौथा आएगा अभी तो पढ़ो ये तो बहुत है सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा है त्रजा का प्लानिट है अष्टफलकीय है समतलीय है या फिर चतुष्फलकीय है बताएं उसको पहले वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा हम्म हम्म चलो कोई दिक्कत नहीं जितने भी हैं सही हैं लेकिन देना ईमानदारी से आंसर है नहीं तो रेट तो पता ही देगा ईमानदारी से जब आएगा तो ठीक तो सभी लोगों का यहाँ पर राइट आंसर क्या आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का बी वाला हो जाएगा ठीक है तो। चलो आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी जेम्स वर्ट गैलीलियो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी बताएं सही बच्चे राइट आंसर क्या हुआ टेलीस्कोप की खोज किसने की थी गैलीलियो सभी का डी आंसर आ रहा है ना हम्म वा सभी लोगों का सही है नेक्स्ट चलते हैं इस नदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार इसी इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था राइट ब्रदर्स जेम्स वॉट फैंकरी डेवी या फिर वॉन ब्राउन बता राइट आंसर क्या होगा सभी लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड का अविनाश अविनाश बेटा खुद से आंसर दे दो कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो पता नहीं भैया पता करो मिशन भारत नासिया सुष्मिता यादव जी अरे अंकुश प्रजापति जी बाद में निकाल देना पहले आंसर दे दो अंकुश पढ़ाई मन तो तुम्हारा लग नहीं रहा है जीप निकालने में लगे हो है आगे चलेंगे यहाँ पे रिजुम में से किसकी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं कितनी जोड़ी का निकलती है ना ये तैतीस जोड़ी निकलती हैं ठीक तो राइट आंसर यहाँ पर सभी का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरे तुम तो आंसर कम दे रहे हो जीप ज़्यादा निकाल रहे हो तो फोकस तो जीप वाली पे जाता जाएगा ना लक्ष्मी पिछली बार क्वेश्चन के कितने आंसर दिए थे सही सर अंकुश आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर आंसर दे दिए हैं बट आप देख ही नहीं रहे हो या तो आंसर जल्दी दे देते हो बाकी बातें ज़्यादा करते हो तो राइट आंसर क्या आया है सी पता नहीं चलिए ठीक है तो जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है इसका ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों का एकदम परफेक्ट हो जाएगा अगले अलग क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतर श्रावी कौन सा है टी एस एच है एफ एस एच है या फिर एल टी एच है या फिर ए सी टी एच है बताएंगे राइट आंसर सभी लोगों का क्या हो जाएगा पन एम बी सर okay, क्या दियो ए या बी ये हिंदी में टाइपिंग कौन कर रहा है ये टी एच लिख के दे रहा है था लिख के दे रहे हो इंग्लिश कर लो कीबोर्ड को अविनाश बड़ा अविनाश पूरा फोकस सर आप ही है हमारा ध्यान रखिएगा बहुत दिन बच लिए तुमने तो नेम बता बदल के अब नहीं बचने वाले हो अब आपका नेम पता चल गया है हमें निश्चित की क्रिया कहाँ होती है गर्भाशय में होती अंडवाहिनी में होती अंड ग्रोथ में होती या फिर योनि मार्ग में होती है तो ये क्वेश्चन दो तीन दिन पहले किए थे अपन साधना प्रियदर्शी आयो आज पढ़ने भैया आंसर एक ही बार टाइप करना है दो बार नहीं करना है बार बार बोल रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे तो मान ही नहीं रहे हैं भैया मान जाओ मान्या क्या लोग एक टॉफ़ी लोगो टाइप की क्लास के बाद तुमको टॉफ़ी देंगे ठीक है भैया मान जाओ भैया मान जाओ ऑप्शन नंबर यहाँ पर सभी लोगों का बी वाला परफेक्ट है थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ से देंगे पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया को चूंड से निकलने वाला धुआं है अमोनिया का है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या फिर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है बताएं स्लो एट का राइट आंसर क्या दिए हैं एट का राइट आंसर क्या दिए हैं आप देख रहे हैं इसलिए दो बार दे रहे हैं भैया एक बार बिना तो भी हम देखेंगे उसको ऐसा नहीं है ठीक हम दो दो यार कमेंट चेक कर रहे हैं आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हम देखते नहीं हैं ठीक है सामने भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं पैसा मत हुई है सब दिखाई देता है बस आप आंसर देते रहिए खत्म छोड़ छूट रहा था उसमें देखिए तो ऐसे कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है विटामिन की कमी से खून के जमने में आवश्यकता होती है अरे विटामिन के टू को बताओ इसका ठीक है चलो ब्लड क्लॉटिंग है एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पादन क्या है बताएं राइट आंसर इसका सभी लोग क्या हो जाएगा बताएं यादव जी राइट आंसर क्या होगा इसका ये अंकुश अरे कौन है ये अंशु श्रीवास्तव बेटा तुमको ट्रॉफी की पड़ी हुई है ये अंकुश श्रीवास्तव बोल रही है इतनी दूर से ट्रॉफ़ी कैसे मिलेगा बेटा पढ़ लो ट्रॉफी में ज़्यादा फोकस है तुम्हारा है पढ़ाई में कम फोकस है पढ़ाई कर लो उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा तुमको ट्रॉफी चाहिए इतनी दूर से देख रहे बेटा अंकुश प्रजापति जोमेटो से भिजवा दिया कीजिएगा ठीक है अंकुश आप बिहार के यही हो जल्दी भेज जाएगी ये तो जितनी की टॉफी नहीं उतना हम आने आने खर्चे निकल जाएगा वो आज वो सोनू नहीं आया अभी हम आजकल सोनू एम के पेपर चल रहे हैं उसके साथ एम एस सी या बी के अगर सोनू आया होता तो अभी भिजवा देते उसको वो अभी जाता तुरंत बाइक उठा के दे के आता वो बाद में पढ़ाई करता कॉल करेंगे उसके अच्छा फोन ही नहीं आता बहुत दिनों से उसका नंबर ब्लॉक कर दिए हैं पता है वो एक बार ना काफ़ी ज़्यादा कॉल कर रहा था हम उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं लेकिन वैसे कौन सा हारमोन है आर एन एन्वर्टेज है इंसुलिन है यहाँ पे स्कॉलिक एसिड है कौन सा हारमोनस है बताएं इस राइट आंसर क्या हो चलिए कोई ना सर ऑनलाइन कर दीजिए सर न्यू स्टूडेंट पे भी ध्यान दीजिए अरे भैया सभी स्टूडेंट पे ही ध्यान है हमारा ठीक है आप ऐसा मत सोचिए ध्यान नहीं दे रहे हैं सभी पे ध्यान है हमारा चाहे आप एक बार कमेंट करो चाहे दस बार कमेंट करो ध्यान सभी पे जा रहा है जितने तो तो लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो सी वाला सभी लोगों का सही हो जाएगा आज खान साहब नहीं आए पढ़ने के लिए कल भी खान साहब नहीं आए थे मैथ पढ़ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया करता है दृष्ट प्रकाश में कांच के सोडियम ऑक्साइड में कांच की एलुमिनियम ऑक्साइड में, में या फिर कांच की सिलिकॉन डाई में बताएं थर्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अरे भैया अविनाश आप ही पे ध्यान है तुम तो नेम चेंज करके आओ तो क्या हुआ ध्यान आप ही पे ही है जावेद चलिए ठीक मिश्रा जी भी हैं चलिए ठीक जितने लोगों का राइट आंसर दिया हुआ है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ठीक लोगों का डी दे रहे हैं तो डी वाला सभी लोगों का सही है आगे चलते हैं बाज़ू में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है तो धातु है तावा है चांदी है निकेल है या फिर जस्ता है बताएंगे भैया राइट आंसर सभी लोगों का क्या हो जाएगा सर आप कितने बजे बैठा शाम को ऑनलाइन होगी ठीक है शाम को ऑनलाइन होगी इसके बाद अभी क्लास तो ऑल लेनी थी रीजनिंग की लेकिन क्या हुआ ना कि नेट चला गया था जैसे हम क्लास स्टार्ट करने को ही हुए बोर्ड ऑन ही किया था हमने और नेट गया बस नेट जैसे ही आए तो वैसे हमने क्लास ली तो ये ग्यारह बजे से होती तो उसके बाद इवनिंग भी पढ़ लेते अब इवनिंग क्या होगी दोपहर है दो लोगों को नींद आएगी कुछ लोगों को पढ़ाने जाना होगा कच्चे फलों को कितने दूर से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस क्या है अमोनिया है एसिटिलीन है कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर एथिलीन है बताएं फिफ्टीन का राइट आंसर सभी लोग क्या दिए हैं चंदन कुमार चौदसी अरे चंदन भैया लेट कैसे हो इतना आने में आप है? क्या बोल रहे हो सर रीजनिंग का क्लास ले लीजिए हाँ बेटा तुमको ना झड़ा करने के लिए और टाइम मिल जाएगा रीजनिंग क्लास में रुक जाओ बेटा तुमको दिलवा रीजनिंग क्लास हूँ सभी का राइट आंसर आ गया ना बच्चों ए बी सी डी क्या दिए हैं कच्चे फलों कितने दूर से पूछा हुआ है आर्टिफिशियल क्या है बी आंसर है कि डी आंसर है बढ़ लो थोड़ा अच्छे से ठीक है जब तो थोड़ा हम लोग पानी पीने एक सेकंड उग जाओ बताओ बच्चों क्या सभी लोग का आंसर ए बी सी डी तो लोग जो डी दे रहे थे ना सर मेरा डी होगा बी होगा फाइव जून से हाँ भैया फाइव जून से ही है तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा सभी लोगों का बी वाला हो जाएगा आगे चलते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों विस्फोटकिन एक है नमक है नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है सम्मिश्र सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन या फिर एस्टर है पता तो सिक्सटीन का राइट आंसर सभी लोगों का क्या होगा सभी लोगों का सिक्सटीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा लक्ष्मी कुमारी भैया साइंस को क्या हो गया अमन ठाकुर स्टडी ठीक तो जो राइट आंसर दिए हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी अंकुश प्रजापति अविनाश चलो जस्ता के एक बर्तन में वैद्युत लेपन की विधि में बर्तन को दृढ़ धातु दृढ़ ध्रुप बनाया जाता है शुद्ध जस्ता को धन ध्रोप बनाया जाता है बर्तन को दृढ़ ध्रुप और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुप बनाया जाता है यहाँ पे बर्तन को धन ध्रुप और जस्ता को दृढ़ ध्रुप बनाया जाता है जाता है ये सेवनटीन का राइट आंसर क्या दिया है सभी लोग क्या टाइप कर दे बच्चों आधे तो समझ ही नहीं पा रहे हम ठीक तो इतने लो लोग राइट आंसर दिए हैं यहाँ पे डी सभी लोगों का राइट आंसर होगा चलिए ठीक बाय बाय आगे चलते हैं बाजू में कौन सी नोबल गैस होती है हीलियम होती है नियॉन होती है आर्गन होती है या फिर रिडॉन होती है बाजू में निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं होती है भैया नहीं है हम होलिए पढ़ लिए नहीं पूछा है बच्चों ध्यान रखिएगा नहीं होती है बता भैया यू पी प्रिपरेशन रेडोन सभी लोगों का राइट आंसर आ गया ना ठीक है जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है रेडोन तो रेडोन सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है आगे चलते हैं क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है लोहा मैग्नीशियम जस्ता या फिर कोबाल्ट बताएं इसलो नाइनटीन का राइट आंसर क्या दिया है नाइनटीन का राइट आंसर सभी लोगों का क्या आया है तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा बी हो जाएगा ठीक है मैग्नीशियम। आगे चलते हैं बल का ऐसा ही सेकंड स्क्वायर है इस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है यह क्या है पास्कल है न्यूटन है जूद है या फिर हर्ट है बताएं ट्वेंटी का राइट आंसर क्या होगा एलियन गर्व को निन्नी आ रही है बेटा तुम तो उसकी निन्नी आ रही है पता चल गया आंसर पता ना चल रहा तुमको है निन्नी और जल्दी पता चल गया क्यों बेटा सर एग्ज़ाम टाइम लगता है सारा सब्जेक्ट ही वीक है बेटा ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो बीक ही लगेगा ठीक है पढ़ो भैया पढ़ो आप तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी पढ़ने में फिर ये क्या हो गया पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा गलत आंसर आ रहा है ना पढ़ने वाले बच्चे टॉप कर रहे हैं आजकल क्यों पीयूष राज अदित्य अंकुश प्रजापति बेटा तुम तो पढ़ने आते हो या बातें करने आते हो तो बताओ कितने क्वेश्चन सही आंसर दिए सभी लोगों ने कुछ याद हो तो बताओ अरे तुम्हारा नाम ही पता नहीं क्या लिखा हुआ है ए ए बेटा तुम कल दो आज सर नींद आ रही है बड़ा सो आराम से सो अच्छी नींद पूरी करो चा गलत मतलब उसको से नीचे कोई नहीं था ना अरे मिशन भारत रुक जाओ पढ़ के जाओ थोड़ा सा और इतनी जल्दी भाग रहे हो तो टाइम ही नहीं हुआ जाने का तीर्थी अठारह ये हो मिशन भारत कोमल तीर्थी अभिषेक आर्यन ठीक है भैया आर्यन समझ गए नेम उन्नीस साधना पियां प्रियोदर्शी अच्छा वही हो पुरानी वाली हो तुम तो ठीक है वेरी गुड अगे चलते हैं यहाँ से साधना पीस क्या था था चलो ठीक कोई ना आगे पढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ अला हुआ विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है यूरेनियम लोहा तावा या फिर एलुमिनियम सर रीजनिंग अरे रीजनिंग पढ़े क्या करोगे रीजनिंग दस नंबर की आनी है ठीक है रीजनिंग आनी है दस नंबर की ये आनी है आपकी बीस नंबर की तो दस नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीस नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक तो इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे यूरेनियम यूरेनियम सभी लोगों का सही है अरे रहने दीजिए पूछ के तुम तो अपना काम करो ना तुम कहाँ पढ़ाई में मन लग रहा है तुम तो आराम से अंकुश के साथ झगड़ा करने लगी हो करते हो तो बड़ा कैरी ऑन लगे रहो गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे नाइट्रोजन पोटेशियम तावा या फिर लोहा बताएं सबका क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे ए बी सी राजनंदिनी मिशन भारत क्या दिए हो मनीषा लक्ष्मी पोटेशियम क्यों दे रहे हो लक्ष्मी कुमारी बेटा तबीयत ठीक है कि नहीं है इतने गलत आंसर तो पहले कभी दिए ही नहीं इतने आज गलत आंसर दे रहे हो बेटा ये सब ना बारात में जाके डांस देख नतीजा है ज़्यादा डांस देखोगी ना तो सारी साइंस निकल गई और देखो जाके डांस अच्छे से तुमको ज़्यादा डांस देना पड़ रहा था ना शादी का और देख लो बेटा अच्छे से आ गए एग्जाम डेट चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है चूहा मारने का पोटेशियम अरे मजाक नहीं बना रहे सही बोल रहे हैं जब आपने डांस नहीं देखा था ना बारात का उससे पहले सही आंसर आते थे जब से तुम डांस देख आई हो ना ना तो मैथ में ही सही आंसर आ रहे हैं ना साइंस में सही आंसर आ रहे हैं हिंदी तो आपकी पहले से ख़त्म थी आगे चलते हैं पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं ताबा और निकल निकल और जस्ता मैग्नीशियम और जस्ता ताबा और जस्ता पीतल में कौन कौन सी धातु है? तावा निकेल, निकेल तावा हैं तांबा और निकल और जस्ता मैग्नीशियम जस्ता या तांबा जस्ता फोर्थ बताएँगे राइट आंसर क्या हुआ हुँ। हुँ, क्या बोल रहा है बच्चा ये सर सर आज फर्स्ट डे है क्लास बट पढ़ने से ज़्यादा कमेंट पढ़ने मज़ा आ रहा है बड़ा वेरी गुड आ रहे तो कुछ तो तुमको मज़ा आ रहा है ना चलो ठीक है उसको मज़ा आ, आते रहना चाहिए चलिए ठीक जी वाला सभी लोगों का लाइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग कहाँ से मिलती है पेट्रोलियम से पृथ्वी से एक पेड़ से या फिर एसिडों के रसायनिक अभिक्रिया से बताएं फिर लाइट आंसर सभी लोगों का क्या हो जाएगा लक्ष्मी और डांस तो नहीं जाना है कहीं बारात में वैसे भी शादियों की लग स्टार्ट हो गई है अगर जाना तो एक दो और देखा जितना आता है वो भी भूल ही जाओगे तो सभी लोगों का यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा चलिए वेरी गुड है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है प्रियदर्शनी आंसर दीजिए तावा चांदी सोना या फिर लोहा साधना रचना आविक सतीश कुणाल आदित्य राहुल प्रीति लक्ष्मी अब शादी है बगल में सर शादी है बगल में वेरी गुड जब बेटा अच्छे से तुम डांस ही देखो चलो चलो कोई ना अभी थोड़े टाइम देख लो बाद में शादी करवा देते हैं अंकुश प्रजापति की वैसे भी इसका पढ़ाई मन तो लग नहीं रहा है शादी करवा देते हैं शायद कहीं मन लगने लगेगा वैसे भी इसका मन भटक ज़्यादा रहा है हम देख रहे हैं आज कहीं यहाँ कहीं वहाँ ठीक है बेटा अंकुश तो लक्ष्मी बाद में भी चली जाएगी बाकी लोग बाद में चले जाएंगे तो सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं सी वाला चलो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा ऑक्सीजन राख मिट्टी या फिर पानी अंकुश भाई की है अरे अंकुश भाई की बेजती भाई अंकुश भाई की बिजली बच्चे बताओ शादी होती है तो किसी की होती है क्या बताओ जरा जी कौन बोला कि बेजती हो गई ये बोला तो बोला कौन हमें ये नाम बताओ बेटा उसका है कौन जे सारी करने से बेजती होती है नाम बताओ बता कौन है हम भी जाएंगे बारात बेटा बारात की इतनी नहीं है लड़की वालों की गुंजाइश की इतनी ज्यादा बाराती बुला सकें आप लोगों को खाना कम है पैक ज्यादा करना है क्यों पूछ की <laughs> तुम बारात में गए हो तुम दो लोगों का अकेला के आओगी तुम तो रहने दो बेटा रहने दो बाकी बाराती भूखे रह जाएंगे चुम्बकीय सुई किस तरफ संकेत करती है पूरा पश्चिम उत्तरी आकाश में सर हम भी जाएंगे, सबको जाना है बारात में जी देखो शादी हुई नहीं मतलब गांव बसाए टूटे थे पहले आगे बेटा कम से कम शादी तो डेढ़ वीडियो फिक्स तो होने दो अंकुश देख रहे हो सब लोग कितना प्यार करते हैं आपसे सबको आपकी शादी में जाना है एक हम ही हैं जो नहीं आ रहे हैं शादी में आगे सभी शादी में जाना है आपको चलो कोई ना बेटा जाओ जाओ जब बड़ा शादी करो अच्छे से पाए तो होना रही है शायद शादी करने से कुछ हो जाएगा आगे चलते हैं महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं भूकंप सू तारों से या फिर चंद्रमा से नाइन को बताएंगे राइट आंसर क्या हुआ सर अंकुश भैया शादी शुदा हैं शादीशुदा हैं क्या बात कर रहे हो बच्चों अंकुश शादी हो गई आपकी सब कुछ हो ना हो पापा जुदू बन जाएंगे क्या बात है बेटा शादी हुई नहीं पापा बनने की पड़ गई है बड़े तेजस्वी हो रहे हो हैं क्यों कहते शादी की बात चली नहीं पापा तुमको पहले बनना है बेटा दुखो ज्यादा सबर कर दो थोड़ा पढ़ लो यहाँ शादी की बात हमने की नहीं पापा बनने की पहले सोच ली बेटा शादी वादी कर लो पार्टी वार्टी दे दो खाना पीना दे दो पहले इंजॉय मंजॉय करो थोड़ा घूम फिराओ कहीं साथ में पापा पहले बनना है तुमको गधे सुधर जा जाओ बेटा सुधर जाओ तभी हम बोले कि जनसंख्या भारत की कैसे इतनी लंबी पहुँच गई है हम सोचे सारा के सारा कमाल कोरोना का है अब लग रहा है आप जैसे तेजस्वी लोगों का कमाल है सारा के सारा उसको बेटा रोको करना पड़ेगी मम्मी से बात आपकी बनवाना है तुमको पापा कोना को बोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में नाइट्रिक एसिड में तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड अरे ये तो पढ़ चुके हैं तीन अनुपातिक तीन पचास पर क्वेश्चन हो चुका है ये तो ठीक है चलिए आगे चलते हैं। हम हंसा रहे हैं हम कहाँ हंसा रहे हैं वही बोला है कुछ होना हो पापा जुदू बन जाएंगे बेटा बन जाओगे भरोसा टैलेंट पे इतनी मत लेकिन ना आगे चलते हैं प्रकाश को नदी में कैसे पैदा करते हैं तावे के तार को गर्म करके तंतुओं को गर्म करके या परमाणु को तेज करके अणुओं को दौलत करके बता सो क्या हो जाएगा सभी लोग अभी यहाँ आ गया ना चलिए ठीक है कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बर्तन से संपीडित गैस को छोड़ने से या फिर रसोई गैस से या ठोस को पिघलने से पिघलाने से तो सभी दोस्त का हाइट आंसर क्या दिए ट्वेल्थ का बी ए सी क्या रहा है, तो है? Hmm. तो प्रकाश में सात रंग होते हैं रंगों को अलग करने का क्या तरीका है एक प्रेम से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है या फिर रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है प्रकाश में सात रंग होते हैं रंगों को अलग करने का क्या तरीका है बता सभी लोग 13 का राइट आंसर क्या होगा ये तो सभी लोग भी देखे होंगे प्रिज्म से ट्वेल्थ में सभी लोग बनाए होंगे इसको सर यूपीएससी सात नहीं गया था बच्चे चलो ठीक है क्या दिए हो स्... अरे यूपीएससी सात नहीं मेरे 11 बच्चे हैं पूरा क्रिकेट टीम बना रखे हैं और थर्ड एम्पायर और सर थर्ड एम्पायर बन जाए भैया हमको इन सब चीज़ों से दूरी रखो तो ज़्यादा अच्छा है हमको नहीं बनना थर्ड एम्पायर हम टी वी एम्पायर ही ठीक हैं ठीक आप बैठो जाके ग्राउंड फील्ड में दोलक की कलावधि है दबमान के ऊपर निर्भर करती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है समय के ऊपर निर्भर करती है या फिर ताप कदम के ऊपर निर्भा करती है काम करना हम सोनू को भेज देंगे सोनू अच्छे से कीपिंग कर लेगा वो बेमानी भी नहीं होने देगा ठीक है आपने देखा होगा ना कि फील्ड में दो एम्पायर रहते हैं वो एक ही एम्पायर होते हुए सारे काम कर देगा फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट का भी सेकेंड का भी और थर्ड का भी साथ में टीवी स्क्रीन भी खुद चला देगा वो ठीक अपा सी बात काम तो दे दो उसको ये तो कम पड़े बताओ सोनू को भी बुला दें बेमान बिल्कुल होगी ही नहीं फिर तो लाइटा ने कहते हैं लोलक की कलावधि होती है टाइम पीरियड ना जमान के ऊपर लंबाई समय है तापक्रम के ऊपर राइट आंसर लंबाई बी वाला सही हो जाएगा यहाँ बच्चों सभी लोगों का ठीक है जितने लोगों ने बी दिया है बी वाला सभी लोगों का परफेक्ट आंसर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा तैरने के तालाब तैने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है अब वक्त तैरो के कारण क्लोरिन के कारण उष्मा के कारण या फिर परावग्नि के कारण बता भी राइट आंसर क्या हुआ सभी लोगों का के कारण ही है भैया सर बॉलिंग मैं करूँगा बड़ा तुम काय के लिए दूसरों के मैच में घुसे जा रहे हो बैटिंग लेने के लिए अपने बड़ा रुक जाओ पारी ख़त्म होने दो तो पहले एक तुम्हें बीच में बैटिंग चाहिए पहली पारी में पहली पारी ख़त्म हो जाने तो तब अपनी बैटिंग लेने आना है तुमको पहले बैटिंग चाहिए रुक दलाल है तुमको पहली बैटिंग है हार्दिक पांड्या बन जाओ पूरा तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आओगे हमेशा भाई विराट कोहली बन जाओ बोलो हार्दिक पांडे की तरह ऐसी कल के मैच में था हैं हार्दिक पांडे तीसरे नंबर पर चले आए बेटा विराट कोहली विराट कोहली है तीसरे नंबर पर आ होगा तुम्हें विराट कोहली बन जाओगे सब पे सौ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ <laughs> क्या दिए हो वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है आ, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती या फिर पचास पीछे ऊषमा की हानि होती है या फिर तीस प्रतिशत ऊष्मा की हानि होती है या फिर अस्सी पीछे ऊषमा की हानि होती है सिक्सटीन का राइट आंसर बोलो क्या दिए हैं चलिए सपना कब से क्लास हो रहा है भैया अभी यार क्लास स्टार्ट हुआ है ये ना क्वेश्चन नंबर थर्टीन चल रहा है बेटा पढ़ते तो अभी तो क्लास स्टार्ट ही है आगे चलते हैं शक्कर के किड़वन से क्या बनता है थाइल एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल एसिड एल्कोहल आपका शुभ नेम क्या है बेटा नाम जान के क्या करोगे तो सभी लोगों का यहाँ पर राइट आंसर सही हो जाएगा क्लियर ये क्या दिया है सभी लोग इथाइल शक्कर कहते हैं भैया इथाइल कहते हैं मिथाइल नहीं है ये वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा रेडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने बुर्सवॉल ने फिलीपिंग ने या फिर ऑस्ट्रेस ने बताओ ये मुस्कान खान बहुत जल्दी आ गया आज तो पढ़ने के लिए बताओ ये राइट आंसर क्या रेडार का आविष्कार किसने किया था ये क्वेश्चन तो दो तीन बार करवा चुके हैं शायद आप लोगों को वाटसन एंड क्रिक रॉबर्ट वाटसन चलिए ठीक आज तो ढाई बजने वाला है कृत्रिम खाद यानी बर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु तो निम्नलिखित में से किस क्रीम कीड़े का प्रयोग किया जाता है सोल कृमि का फुकवर्म का केंचुआ का या फिर इनमें से कोई नहीं सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे नाइनटीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइनटीन का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा तो अर्थबॉम्ब जितने लोग आंसर दिए हुए हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी अर्थ केचुआ सभी लोगों का राइट आंसर होगा प्रियदर्शी आपके तो आंसर नहीं आ रहे हैं रोशनी शेख किरण केसर केचुआ कीर्ति शिवानी पुष्पांजलि पूजा मुस्कान निशांत निशांत ही दो चलो ठीक है तो सर अब रहने दीजिए बड़ा कहाँ से रहने दीजिए एग्जाम की डेट आ गई रहने दीजिए बेटा पढ़ो अभी बहुत क्वेश्चन है अभी तो पढ़ते चलो बेटा पढ़ते, तो। पढ़ते चलो बड़ा आज पता कितने क्वेश्चन लेकर आए हम लेकर आए हैं दो सौ इक्यावन क्वेश्चन है आज लिखा है ना दो सौ इक्यावन शायद दिख रहा हो आपको बहुत क्वेश्चन है आज तो पढ़ते चलो बेटा आज अभी तो खाना भी नहीं खाए हम भूखी लगने लगी है अरे आर्यन भैया नाम ले लेंगे तुम्हारा नाम की माला जपेंगे रुक जा थोड़ा तो इतने लोग राइट आंसर क्या दिए हैं इसका हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने लखनऊ प्रस्तुत होते हैं तो कितने होते हैं प्यारे बच्चों ये होते हैं ए ठीक सभी लोगों का यहाँ पे ए वाला आंसर सही हो जाएगा अभी तो बहुत क्वेश्चन है परेशान क्यों बहुत क्वेश्चन है भले पढ़ाए देखो बहुत क्वेश्चन अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन चले आएंगे आज पढ़ जितने पढ़ोगे ना डेटा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे आज बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं बहुत हैं देखो देखते क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, है पूरे इसमें समझ लोगों ना क्वेश्चन बहुत है आज पढ़ो तो राइट आंसर इसका हो गया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ अगला प्रैक्टिस सेट पेपर होता है सिक्स यहाँ से स्टार्ट तो अच्छा हूँ तो इसमें कितने लोगों ने राइट आंसर दिए इस वाले में याद है किसी को थोड़ा बहुत ऐसे देख जाओ हमको भुक लगी थोड़ा सा पढ़ लो थोड़ा पढ़ लो फिर छुट्टी कर देंगे अच्छा दस मिनट पढ़ लो फिर छुट्टी कर देंगे चलो दस मिनट पढ़ लो फिर छुट्टी कर देते हैं सोलह सत्रह बीस अरे मिशन रुक जाओ भैया का बीस मिनट रेस्ट थोड़ा पढ़ो पढ़ा क्लास ख़त्म करवानी है अगर तो जल्दी से पचास सॉरी सौ लाइक कर दो सेवेंटी फाइव लाइक हैं जितने लाइक कम है ना जल्दी से पहले करवा दीजिए ठीक हूँ चलिए ठीक है सभी लोगों के ठीक ठाक नंबर यहाँ हैं वेरी गुड अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में उन्नीस में नोबेल पुरस्कार मिला है वॉटसन एवं क्रिक को डॉक्टर एच बी खुराना को रॉबर्ट हुक को या फिर बिलगर एवं किंग्स को बताएंगे बच्चों सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोगों का राइट आंसर क्या है ए आया है वाट्सन एवं क्रिक सभी लोगों का राइट आंसर आ गया ना बोलो वाट्सन एवं क्रिक बटा जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं ठोका हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठो देना बेटा अभी ग्यारह लाइक कम रहेगा यहाँ हंड्रेड होने में ग्यारह नहीं बेटा पंद्रह लाइक कम है अभी हंड्रेड होने में अंकुश प्रजापति कीट बच्ची पौधा है अमरबेर है ड्रोसेरा है गुलाब है या फिर नागफनी है सेकंड बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा गैस वैस काम चलने वाला नहीं है एट्टी सिक्स अभी तक हंड्रेड चाहिए हमको सभी के से दिए हैं ए बी सी लक्ष्मी से दी हो <laughs> तो राइट राइट आंसर दिए ना सेला ऑप्शन नंबर बी तो सी वाला अरे नहीं ना जल्दबाजी में थोड़ा सा रह गए आगे क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश में पैसा मत हुई है आगे इसमें क्वेश्चन है निकोटीन पाया जाता है चाय की खेती में तम्बाकू की खेती में कॉफ़ी की खेती में या पे नीम की खेती में लेट हो गए थे ना जल्दी जल्दी मतना ही हो पाया यहाँ पे कितने बच्चे इंग्लिश वाले हैं लोकेश राठौर बेटा पढ़ लो लोकेश भैया बेटा अभी भी, भी तेरह लाइक कम है राय नंदिनी मिशन भारत भैया केसर खान और आपकी आई टी की तैयारी कैसे चल रही है केसर भैया आगे चलेंगे यहां पे पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है फूल बीज पत्ती या फिर फल हम्म बीजो से सभी का राइट आंसर आ गया ना बच्चों ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन फ्लैश नहीं दिखाई दे रहा बच्चों ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है सभी लोगों को दिख रहा है पता नहीं किसको दिखाई नहीं दे रहा भैया सबको दिखाई दे रहा है आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है जीप की उत्पत्ति जीप की उत्पत्ति जीप से होती है इस कथन का सत्यापन की सत्यापन किसने किया लुई पास्टन ने किया है वॉन हेल माइट ने किया है रॉबर्ट ने किया है या फिर ओपेरिन ने किया है पचास परसेंट बड़ा लोग जाओगी रात में ही पढ़ना है कहाँ पचास परसेंट हो गया है रात में ही पढ़ेंगे जीके क्लास बहुत लंबी बड़ा पढ़ते चलो पढ़ते चलो राइट आंसर कीर्ति क्या दी है आंसर ओपेर ठीक है जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया सभी लोगों का सही हो जाएगा सर देख रहा है चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर हवा हवा में जल में या फिर किसी अन्य ग्रह पर बेटा अभी तक हंड्रेड लाइक नहीं हुए हैं संध्या सुमन ठीक तो किसमें जल में आगे चलते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन रहा निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है ग्रेफाइड है सीसा है सोना है या फिर हीरा है निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है तो सही पता है क्या है शीरा नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोगों का ये रहा दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है बालू कण चिकना कण पशु कण या फिर सभी प्रकार के कण बेटा अभी भी, भी आठ ही लाइक हैं, आठ लाइक काम है मतलब ठीक है नाइन्टी टू है हंड्रेड करना है उसको क्लास खत्म करनी है तो पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है चिकनी मिट्टी पाँच मिट्टी बलोई मिट्टी या फिर लोम मिट्टी बताओ सब लोग नाइन का राइट आंसर क्या हुआ सर ये सब पढ़ा हुआ है न्यू क्वेश्चन लाएं तो क्या बेटा कल न्यू क्वेश्चन बना के लाते हैं कल देखो बेटा न्यू क्वेश्चन ही आएंगे सारे ऐसे न्यू क्वेश्चन आएंगे ना बेटे कल देखो बेटा तुम सब लोग तैयार रहना कल के न्यू क्वेश्चन के लिए बताओ राइट आंसर सब लोग क्या दिए हैं सैंडी सोयल ना ऑप्शन सो नंबर सभी लोगों का सी आ गया चलिए बेटा पाँच कमरे गए लाइक होने के लिए अंकुश प्रजापति सतीश केसर किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी पांसु मिट्टी बलुई मिट्टी या फिर लोम मिट्टी बताइए राइट आंसर क्या दिए हैं अरे मुस्कान तुम्हारा बुलावा आया है अब लक्ष्मी कुमारी का नहीं पढ़ा हुआ है बेटा लक्ष्मी चाहे तुम बारात का डांस देख लो या फिर पढ़ लो समझे कि नहीं समझे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ चिकनी मिट्टी आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा खनिज क्या है द्रव है कार्बनिक ठोस है गैस है उपयोग सभी है इलेवन को बताएंगे राइट आंसर क्या होगा क्या है अभी चार लाइक रह गए जल्दी से लाइक बढ़ाए चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है खनिज यौगिक में खनिज मिश्रण में प्राकृत तत्व में इनमें से कोई नहीं कीर्ति किरण लक्ष्मी मुस्कान मनीषा राहुल लक्ष्मी पुष्पांजलि लक्ष्मी कुमारी दो दो हैं ठीक है एम एस गुप्ता शिखा आर्यन दसवीं मिसला सुमित अमन बेटा चार लाइक कम लग गए हैं जितने लोग नहीं ठोका है दबा के ठो गए हंड्रेड तो आज करना ही है कैसे भी करके अंकुश प्रजापति कहाँ गए आगे चलते हैं यहाँ अगला क्वेश्चन ये रहा खाने का नमक एन सी एल किससे बनता है बता दो बेटा आप ही बता दो कौन पढ़े इतना सारा चलो भाई हंड्रेड लाइक क्या बात है सीधा एक में आपने हंड्रेड लाइक कर दिए नाइनटी सिक्स से सीधा हंड्रेड वाह बच्चों एक कर दिए मतलब बच्चों में पावर तो है थैंक यू सभी लोगों को बस ऐसे ही प्यारा सपोर्ट बनाए रखें और थोड़ा काम बिना कहीं कर दें ठीक थैंक यू बच्चों सभी लोगों को तो जितने तो राइट आंसर दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर बीस सभी लोगों का एकदम परफेक्ट है ठीक चलिए बता बच्चों अगर यही काम आप लोग बिना कहे कर दो तो कितना अच्छा रहे हवा बोलना पड़ता है चलिए ये कौन है भैया पुष्पा भारती बड़ा सो के उठ गए इतनी जल्दी बड़ा अभी भी तो दोपहर है ढाई बजे हैं सीधा उठना पाँच बजे शाम को अभी इतनी जल्दी जाओ जल्दी उठ गई हो सो के आप थोड़ा तो आराम कर लो तो सो लाइट आंसर क्या दिए फोर्टीन का पौधों में नमकयुद्ध मिट्टी से उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं हेलो फाइट बहुत बढ़िया काम करते हो अंकुश भैया ऐसे ही काम करते रहें तो इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ यहाँ पे हेलो फाइट सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा संभरिनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है फ्लोएम टिश्यू से काइमा टिश्यू से या फिर मेरिस्टेम से या फिर जाइलम टिश्यू से सभी क्या सर ए बी सी डी सर मुझे भूल गए अरे किसी को नहीं भूल रहे भैया काजल कुमारी सभी का कमेंट पढ़ रहे हैं आंसर सभी का पढ़ रहे हैं हम। सर हम कब से क्लास में हैं बट आप देख ही नहीं हो अरे बेटा रहने ही दो सब यही डायलॉग मारते हैं लेट आने के बाद हम कब से क्लास में हैं पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है तना है शाखा है पर्ण है या फिर जल है हम काफ़ी टाइम से कमेंट पे ध्यान दिए हैं सभी लोगों की अगर आप होते हो तो कमेंट तो कर देना नाम भी पढ़ लेते हम बताओ भैया भगवान भगवान मिश्रा तो राइड क्या दिए हैं लिप्स ज्योति कुमारी सर मैथ होगा मैथ होगा ना मैथ अरे मैथ क्या करेंगे पढ़ा के आज कल ज़्यादा ही मैथ पढ़ ली थी आज मैथ की छुट्टी है मैथ अपन कल पढ़ेंगे ठीक है क्या जब मैथ पढ़ाते हैं तो बच्चे पढ़ने आते नहीं बच्चों को पता नहीं मैथ से तो एकदम डर लगता है सर आप आप मेरे से सिर्फ तो गुस्सा हैं रश्मि मिश्रा बेटा हुआ दियो सर जी मैं जी अच्छा जी आन एम जे चलो ठीक हो मतलब सब हैं बताओ भैया भूख किस में मिलता है एम अरे थोड़े टाइम में तो बच्चे थे नहीं बच्चों को तो पढ़ने पता नहीं मैथ तो एकदम तो काटती है बच्चों को जब भी मैथ के ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आते हैं ना सभी सब प्रॉपर हो जाता है बच्चे आते ही नहीं पढ़ने के लिए अगर अभी हम पता मैथ पढ़ा रहे होते हैं तो आधे से ज़्यादा बच्चे भी नहीं होते आधे बच्चों को नींद आ रही होती आधे बच्चों को भूख लगा रही होती हाँ आधे बच्चों को घूमने जाना होता है आधों के यहाँ शादी हो जाती है आदो का शिदत करने लगता है आध लोगों के मैसेज आने लगते हैं चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे भैया सौ नंबर कम से कम लेकर आओ सौ से नीचे कोई लाएगा नहीं बता दिया बेटा क्योंकि मार्स मार के है नहीं मैट काफी हाई जाएगी तो सौ तो मिनिमम है ठीक मैच चलेगा भैया शाम को आज तो मुश्किल है शाम को होना शायद लोगों को टाइम मिल गया तो शाम को बाद ले भी लेंगे मैथ बाकी जीके के कंफर्म है कि जीके तो हो गई होगी और मैथ होगी तो अच्छी बात है बता सो ए का राइट आंसर क्या दिए हैं अगर मैथ होगी तो कोई भी छोटा लल्लू से चैप्टर उठाएंगे और उसको अपन पढ़ा देंगे बताए प्रकाश संश्लेषण तो सभी लोगों का राइट आंसर क्या आ गया सी और बेटा जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं ठोका है तो सब्सक्राइब ठोक देना सहस प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है परिणाली का कार पराली का विकास परिडाली का, का स्वपोषी क्या या फिर में से कोई नहीं बता सु नाइन्टी वाले का राइट आंसर क्या दिए हैं सर क्लास मैथ पढ़ाएं सर और क्लास मैथ पढ़ाएं बच्चों रात में आप लोगों को मैथ पढ़नी है या जीके पढ़नी है बताओ बताएं सभी प्यारे बच्चे मैथ पढ़ोगे या जीके पढ़ोगे मैथ हिंदी वाला कौन आ गया मैं तो जीके ऑप्शन दिए तो हिंदी घुसा दिए उसमें बीच में दोनों पढ़ना है मैथ वाले ज्यादा है ना चलो देखते हैं मैथ पढ़ाएंगे कुछ आगे चलते हैं जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है आज हम कुछ नए क्वेश्चन लेकर आएंगे एक्स्ट्रा मेंडल में, का नियम है जैप का विकास है संरचना या फिर अनुवंशिक अनुवंशिकता और विचरण है सको ट्वेंटी का राइट आंसर क्या होगा सर नंबर कैसे बढ़ेगा नंबर कैसे क्या बोलो नंबर कैसे बढ़ेगा बेटा पढ़ने से नंबर अच्छे आएंगे ना और नंबर कैसे क्या बढ़ेंगे ये कौन सी चीज़ पूछ रहे हो या थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग चल रही है जो तुम बोल रहे नंबर कैसे बढ़ेगा पढ़ लो बेटा पढ़ लो अभी भी टाइम है ठीक है तो क्लास बच्चों आज के वहीं ख़त्म करते हैं उम्मीद कहते हैं बच्चों क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मैं कमेंट कर जरूर बताएं बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या जरूर ठोक लीजिए ठीक है और शाम को हम कोशिश करेंगे कि दो क्लास लेने की एक क्लास तो हम आप लोगों की लेंगे मैथ की दूसरी लेंगे जी की तो जो सात बजे क्लास होगी वो शायद से देखो सात सवा सात बजे क्लास होगी वो होगी मैथ की देन इसके बाद होगी वो होगी जीके की ठीक है और किसी को भी समस्या हो तो पूछ लीजिए बाकी इसका पी शायद तो मुश्किल है मिल पाए भाई और सारी पी हम आज शेयर कर दिए टेलीग्राम पर ठीक है तो इतने लोगों ने टेलीग्राम को नहीं देखा है खोल के तो ये जी वाली पी सेव हो नहीं रही है देखो ये पता नहीं क्या इशू है इसमें हम सेव कर तो रहे हैं लेकिन सेव होना रही है तो इसकी पी नहीं मिल पाई क्योंकि पी इसकी सेव नहीं हो रही है इसको एक्सपोर्ट कर लें रुको 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 एक्सपोर्ट भी नहीं होगी सेव करते हैं सेव है सेव है तो शायद हो जाएगी बाद में चलो एक्सपोर्ट किया हाँ खाना तो खाएंगे भूख लगी बहुत तेज़ थैंक यू ना मेरी शादी हुई और ना होने वाली है सब मस्ती कर रहे थे मेरे साथ अगर किसी को बारात में चलना है तो बोलो बेटा अंकुश प्रजापति सर सेट में सत्तर आ रहा है सत्तर से कुछ नहीं होगा भैया पढ़ो विकास राहुल सर आज बहुत अच्छा लगा इसी प्रकार भैया एवरीडे पढ़ते रहें उसी मजाक में इवनिंग में सात बजे से होगा ना देखो सात नहीं तो सवा सात से होगा ठीक वैसे ही आज से जगह जाना अभी हमको एक पल मित्र के यहाँ जाना है साथ ही है उसके यहाँ सुबह फ़ोन भी आ गया उसका तो देखते हैं क्या होता है अगर गए तो मुश्किल क्लास होना क्योंकि काफ़ी दूर जाना है और अगर नहीं हुई तो क्लास होगी बाकी जैसा कुछ होगा अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम पर हम ऑलरेडी दे देंगे ठीक है जो थैंक यू